मोदी जी, मुझे नहीं लगता इस उम्र में हम पढ़ पाएंगे। आप बेफालतू में भूसे के ढेर में सुई ढूंढ रहे हो। पढ़ सकती हो लालू जी, इस उम्र में भी तुम पढ़ सकती हो। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। तुमने बचपन में ही पढ़ाई छोड़ दी थी, इसीलिए तुम सब लोग पढ़ नहीं पाए। अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। लेकिन लालू जी, सही से पैर नीचे करके कुर्सी से बैठो, एक अच्छे विद्यार्थी की तरह। मोदी जी, बैठेंगे तो हम कुर्सी पे ऐसे ही। आपको पढ़ाना है पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना है तो मना करो, हम चले जा रहे हैं। बहुत से काम है हमें खेत पर। अरे मोदी जी, मैं सही से पढ़ूं ना पढ़ूं, लेकिन राहुल को अच्छी तरीके से पढ़ा दो। मैं इसे पढ़ा लिखा के अच्छा डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। सोनिया जी, डॉक्टर बनने की तो उम्र निकल गई। अब तो मैं इतना पढ़ा रहा हूँ कि कहीं तुम्हें अंगूठा ना लगाना पड़े। कम से कम किसी कागजात पे तुम साइन कर लो, हस्ताक्षर कर लो। तो मोदी सर जी, मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा। मेरी मम्मी का जो सपना था मुझे डॉक्टर बनाने का, मैं नहीं बन पाऊंगा। तो आपके यहाँ पढ़ने का क्या फायदा? मैं अभी पढ़ाई छोड़कर जाता हूँ। अरे मेरे बेटे पढ़ाई छोड़ के क्यों जाता है? देख, मैं भी तो पढ़ रही हूँ यहाँ मोदी जी के पास। थोड़ा बहुत तो पढ़ ले, डॉक्टर बात को बनते रहे ना। मोदी जी पढ़ाओगे भी या बेफालतू की बातें करते रहोगे? सोनिया जी, क्या पढ़ना चाहोगी आज तुम? और राहुल, तुम क्या पढ़ना चाहोगे? लालू जी, तुम भी बता दो। अरे मोदी जी, थोड़ा बहुत तो पढ़ाई के बारे में हम भी जानते हैं। मेरी बात एक समझ में नहीं आ रही है। आप हम सब लोगों से क्यों पूछ रहे हो क्या पढ़ना चाहोगे? आप जो पढ़ाना चाहते हो, जो सा सब्जेक्ट, वो हमें पढ़ाओ। लालू जी, बचपन में जो क्लास स्कूल में लगती है उसमें एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। यहाँ पर अपने गांव में तुम तो काफी उम्र में पढ़ने के लिए आए हो, इसीलिए तुम्हें जो पसंद हो वो सब्जेक्ट पढ़ाओ, वो ही पढ़ाऊंगा मैं। मोदी जी, मुझे तो इतिहास पढ़ाओ, इतिहास पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन ममता दीदी, इतिहास के बारे में तो मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। इतिहास के अलावा कोई दूसरी चीज पढ़ लो। इतिहास में तो मैं खुद फेल हो गया था स्कूल में। तो मोदी जी, मुझे गणित पढ़ा दो, मुझे गणित पढ़ना बहुत पसंद है। मायावती, मुझे गणित से क्या लेना देना? गणित के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो मोदी जी, आपको जानते ही नहीं हो, फिर हम सब लोगों को क्यों पढ़ाने के लिए बैठ गए? मैं सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट अच्छी तरीके से पढ़ा लेता हूँ। हिंदी में जो चीज पूछ लो। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल कैसे आकर बैठ गए? कोई काम है बताओ? तुमने तो सारे कपड़े निकाल रखे हैं, सिर्फ धोती पहने फिर रहे हो। अरे मोदी जी, क्या बताऊं, इतनी भयंकर गर्मी आज तक नहीं पड़ी। अरे कपड़ा कहाँ पहन मिल रहा है इस गर्मी में? ऐसा लग रहा है कपड़ा अगर पहन लो जैसे आग के अंगारे रखे हो जिस्म के ऊपर। इसीलिए तो मैं कपड़ा पहन ही नहीं रहा हूं, सिर्फ धोती में फिर रहा हूं। और आपके यहां आने का भी मेरा कारण है। अरे जैसे मुझे पता चला आपने इलेक्ट्रॉनिक पंखों की बहुत बड़ी दुकान रखी है, तुरंत चला आया मैं एक पंखा खरीदने के लिए, क्योंकि बिना पंखा खरीदे तो गर्मी ये कटेगी नहीं। बिल्कुल राहुल, तुम सत्य बोल रहे हो। तुम्हारी इस बात से मैं 100% सहमत हूँ। और राहुल, ऐसी गर्मी 20 साल पहले पड़ी थी, 20 साल बाद ऐसी गर्मी पड़ी है। ले लो मोदी जी से एक पंखा ले लो, बहुत अच्छे अच्छे पंखे बेच रही है। अभी योगी जी इनसे एक पंखा खरीद कर ले गए। राहुल कोई सा भी पंखा खरीद लो, हर पंखे की 2-2 साल की वारंटी है। अगर कोई भी दिक्कत हो जाए पंखा वापस। अरे मोदी जी, मैं आपसे अभी ये पंखा खरीद कर ले गया था, जैसे घर जाकर मैंने इसे चलाया ये तो चल ही नहीं रहा। योगी जी, चलेगा कैसे नहीं, सारे के सारे पंखे तो मेरे चेक करे हुए हैं। लेकिन मोदी जी, घर जाकर मैंने इस पंखे से कहा चल, चला ही नहीं है। अरे योगी जी, कोई ये इंसान थोड़ी है जो कहने से चलेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक पंखा है, इसे बिजली से कनेक्ट करोगे तभी तो चलेगा। अरे मोदी जी, बिजली करंट कितने भारी भारी शब्द बोल रहे हो ये। अरे मैंने तो बिजली का कनेक्शन ही नहीं कराया। मैं तो समझा आपका ये पंखा खरीद कर ले जाऊंगा और घर जाकर कहूंगा चल, ये चल देगा, लेकिन ये चला ही नहीं। वापस करो अपने इस पंखे को। अरे मोदी जी, कैसे पंखों की आपने दुकान रखी है? योगी जी सही तो कह रहे हैं, ऐसे पंखे लाओ जो बिना बिजली के चले। अपने गाँव में एक तो महीने में 2-4 बार तो बिजली आती है। अगर हम इस पंखों को खरीद भी लेंगे और गाँव में बिजली आएगी नहीं तो इस पंखे से क्या अंडे दिलवाएंगे? मोदी जी, मैं आपसे पहले ही कह रहा था इस गांव में बिजली के पंखों की दुकान मत खोलो, लेकिन आपने मेरी बात को इस कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। अरे लालू जी, मैंने तुम्हारी बात को इस कान से सुनकर उस कान से नहीं निकाला, मेरे दिमाग में ही ये बात। अगर गांव में ये पंखे नहीं बिकेंगे तो शहर में ले जाके बेच दूंगा, शहर में तो बिक ही जाएंगे। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी, आपने ये बहुत अच्छा तरीका निकाला है सवारी ढोने का। अपने गांव से शहर तक चलने के लिए कोई वाहन था ही नहीं, पैदल ही शहर जाना पड़ता था। कोई भी ऐसी सुविधा नहीं थी जिससे शहर जा सको। हाँ, कुछ टाइम पहले ओवैसी जी तांगा चलाते थे गांव से शहर तक के लिए, उन्होंने भी अपना घोड़ा बेच दिया। तब से गांव वालों को बड़ा दिक्कत हो रही थी शहर जाने के लिए, लेकिन ये तरीका तुमने बहुत अच्छा निकाला है। है ना, है ये लालू जी बढ़िया तरीका। तुमने कम से कम तारीफ ही तो की। अब देखो, कोई मैं बड़ा वाहन तो ले नहीं सकता था, क्योंकि तांगा लेने के लिए भी घोड़ा लेना पड़ता।
अब घोड़ा लेने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। ले दे के मेरे पास यही एक पुरानी मोटरसाइकिल थी। अब मैंने इस पुरानी मोटरसाइकिल के पीछे एक छोटी सी ट्रॉली लगा दी है, उसी में सारी सवारी बैठ जाती है। एक सवारी मेरे साथ मोटरसाइकिल पर भी बैठ जाती है, जैसे तुम लालू जी बैठे हो। लेकिन मोदी जी दिक्कत तो बहुत होती है, देखो शहर तक खड़े खड़े ही जाना पड़ेगा, बैठने की तो कोई सुविधा नहीं है तुम्हारी इस ट्रॉली में, और शहर तक ले जाने का किराया भरपूर ले रहे हो आप। योगी जी तुमसे ऐसी कौन सी दौलत ले रहा हूँ, अपने गांव से शहर तक ले जाने के तुमसे मैं 50 रुपए लेता हूँ। अरे चलो योगी जी, कम से कम खड़े खड़े जा रहे हैं, शहर के लिए किसी वाहन से तो जा रहे हैं, पैदल तो नहीं जाना पड़ रहा है, पहले तो अपनों को पैदल जाना पड़ता था। अरे मोदी जी अपनी इस मोटरसाइकिल को तेजी से चलाओ, कैसे हल्के हल्के चला रहे हो। मुझे शहर जल्दी पहुंचना है, वहां सिनेमा घर में मुझे फिल्म देखना है 12 बजे, मेरा फिल्म का शो छूट जाएगा, जल्दी तेजी से चलाओ मोटरसाइकिल को। केजरीवाल मोटरसाइकिल तो इतनी ही हल्के चलेगी, अगर तुम्हें ज्यादा आफत है यहीं पे उतर जाओ, पैदल चले जाओ शहर। अरे लालू जी, लालू जी अब आके आप इस ट्रॉली पे बैठ जाओ और मुझे मोटरसाइकिल पे बैठ जाने दो। मोदी जी इस मोटरसाइकिल को रोक लो, आपने लालू जी को तो मोटरसाइकिल पे बैठा दिया है और मुझे यहाँ पीछे ट्रॉली पे बैठा दिया है। अच्छा अगले से एक बात बताओ, परसों अपना लोग शहर गए थे तो तुम मोदी जी के पीछे मोटरसाइकिल पे बैठे थे और मैं पीछे ट्रॉली पे गया था बैठकर, तो मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा था, आज मैं मोटरसाइकिल पे बैठ गया तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है। अरे अखिलेश परेशान क्यों होती हूँ मैं, एक एक करके सबको अलग अलग दिन पीछे मोटरसाइकिल पे बैठा के ले जाता हूँ। परसों अखिलेश मैं तुम्हें ले गया था मोटरसाइकिल पे पीछे बैठा के, उससे एक दिन पहले योगी जी को ले गया था, आज लालू जी को ले जा रहा हूँ। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।